जी नमस्कार। देखिए जिंदगी जो है इसमें हमेशा कहा जाता है कि शवम दुखम, सब कुछ दुख है। जन्म से लेकर और मृत्यु तक व्यक्ति अगर महसूस करे तो केवल दुखी दुख है, क्योंकि यह दुख अज्ञानता से होता है और अज्ञानता व्यक्ति के इच्छा को बढ़ाती है और संसार में किसी भी व्यक्ति की आज तक इच्छा पूर्ति नहीं हुई। स्वयं देवता भी अगर मानव शरीर के रूप में जन्म लिए तो आप देखे होंगे कि भगवान शंकर भी माँ पार्वती को जीवित करने के लिए कितना मेहनत कर रहे थे, उनके शौक को लेकर घुमा करते थे, लेकिन माँ पार्वती जीवित नहीं हो सकी। ठीक इसी ढंग से स्वयं राम जी भी अश्वमेध यज्ञ की इच्छा रखे थे और उनकी भी इच्छाएं पूरी नहीं हुई। रावण को हरा दिए, लंका से ला दिए, हर प्रकार की इच्छा उनकी पूरी हुई, लेकिन सारी इच्छा पूरी नहीं हुई। तो मनुष्य को ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं जिसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हो। इसलिए आदमी को जो भी दो चार पल मिले खुशियों का मना लेना चाहिए। गम तो सारे जिंदगी भर पड़ा हुआ है और सारे जिंदगी हम लोग गम में गुजार देते हैं। हर चीज माने सबम दुखम महात्मा बुद्ध ने जो कहा था वो ऐसा नहीं कि अनजाने में संत बने थे, बल्कि एक राज परिवार से निकलकर और तपस्या लंबी अवधि तक किए थे। 12 साल तक उन्होंने तपस्या किया था और तत्पश्चात 45 वर्ष तक अपने बौद्ध धर्म के प्रचार में लगाए थे और निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि आदमी का जीवन ही कष्टकारक है, लेकिन अगर दो पल मिले कहीं खुशी से जी लेने के लिए तो जी लेना चाहिए। तो आइए आते हैं हम लोग इस दो पल खुशी के जीने के लिए। हमारे बीच एक संस्था की बहुत ही शालीन, सभ्य, सुशील और सुसंस्कारी, अपने माता पिता की दुलारी और मैडम की बहुत ज्यादा सहयोगिनी, ये है बच्ची स्नेहा जी। आपके भी देखिए सरस्वती जी की तरह एकदम खरी है और बहुत ही इनमें मुस्कुराहट है और खुश है। इस बच्ची का आज जन्मदिन है और देखिए कि माँ सरस्वती की तरह इनके चेहरे चमक रहे हैं। हालांकि ये तो है हम लोगों की बेटी की तरह, लेकिन फिर भी सरस्वती की तरह दिख रही है। और इस बेटी का आज जन्म दिवस है, जो देखिए स्वयं मैडम जो इनको बहुत मानती है और इस तरीके से ये इनके जन्म दिवस को जो है सेलिब्रेट करने के लिए देखिए इनका आरती कर रही है, पूजा कर रही है और कह रही है कि ये अपने जो भी सोच रखी है उस मंजिल पर पहुंचे, अच्छा करे। इनके माता पिता तो यहाँ नहीं है, लेकिन हम ही लोग माता पिता की तरह हैं। तो इस तरीके से गार्जियन का काफी विश्वास है और देखिए मैडम आरती भी उतारी है इस बच्ची का, तो अब क्या कहा जाए, कितनी अच्छी खुशी की बात है। और जन्म दिवस मनाने का एक बहुत अच्छा तरीका है ये कि सनातन संस्कृति को मजबूत बनाए रखना है, उसको कभी भी हटने नहीं देना है। ठीक है, मोबाइल का लाइट बाबू मत जलाइए, उससे इधर पड़ रहा है कैमरे पर, हटा दीजिए। और देखिए यहाँ केक भी रखा हुआ है, तो इस तरीके से ये केक काट रही है, थोड़ा ताली बजाइए जी आप लोग। हाँ, हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ देखिए, तो इस तरीके से हम लोग बत्ती बुझाने वाला काम नहीं करते हैं, बत्ती जलाने वाला काम करते हैं। केक खाएंगे ये जरूर है, लेकिन फूंक कर कैंडल नहीं बुझाएंगे। ये परंपरा जो है आपको यहाँ बच्चे शुरू करते हैं। और ठीक इसी ढंग से देखिए इनकी प्रिय सहेली खुशबू जी है और ये उनके जन्म दिवस को सेलिब्रेट कर रही है। इधर देखिए ये पुतुल कुमारी है और इनके जन्म दिवस को सेलिब्रेट कर रही है। और कौन कौन सी इनकी बहन जी, इनकी देखिए ये बहन हुई सपना जी, खास बहन है अपनी और ये भी सेलिब्रेट कर रही है। और आपके ये किरण जी हैं, सॉरी चांदनी नाम है ना, हाँ चांदनी है। और ये मम्मी जी है, ये भी देखिए इनके जन्म दिवस को खड़ी होकर सेलिब्रेट कर रही है और कितना बढ़िया मम्मी जी लग रही है और कितना अच्छा मुस्कुरा रही है। तो देख सकते हैं ये मैडम की मम्मी हुई तो मेरी भी मम्मी हुई। और देखिए बहुत सारे बच्चों का जन्म दिवस आ रहा है, सबको पहले बोलिए कि सभी लोगों को प्रणाम, सभी लोगों को प्रणाम और सब लोग आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि मैं बहुत अच्छा करूं, मैं बहुत अच्छा। महिलाओं को बहुत संकट से गुजरना पड़ता है, महिलाओं को बहुत संकट से गुजरना और समाज जो है महिलाओं को बहुत कम अच्छी दृष्टि से देखता है, महिलाओं
महिलाओं को बहुत कम अच्छा हमेशा डर डर के महिला जीती है, हमेशा बहुत महिला डर डर के जीती है। इसके बावजूद मैं सब अपने भाई बहनों और गुरुजनों से प्रार्थना करती हूँ, मैं सब अपने भाई जनों और गुरुजनों से प्रार्थना करती हूँ, आप सब आशीर्वाद दें, आप सब और महिलाओं के ऊंचाई तक पहुँचने में सहयोग करें, महिलाओं को ऊंचाई में पहुँचने तक आशीर्वाद दें। हाँ, कहीं किसी प्रकार के विघ्न न आने दें, आप श्रेष्ठ लोग तब बनेंगे जब कमजोर की मदद करेंगे, तो आप लोगों के आशीर्वाद की उम्मीद है, चलिए धन्यवाद। मेरा तो आशीर्वाद आपके साथ है। चलिए मैडम को खिलाइए आप केक, और देखिए मैडम खा रही है काफी बढ़िया से और रही बात, देखिए मैडम भी खिला रही, काकरे नहीं खाएगी, अच्छा व्रत पर है, ओ बृहस्पति व्रत की है देखिए इसलिए वो केक नहीं खा सकती हैं, तो उनका केक रह जाएगा और नहीं मैं अपने से खा लूंगा, वो कच्छो बेटी हो तो क्या ना, मुंह में तो नहीं खाएंगे। हाँ मैडम खिला देगी वो अलग, रुके तो खाते हुए हम भी तो दिखाते हैं, तो देखिए मैडम खिला रही है। कुछ ना कुछ मेंटेन करना पड़ता है भाई, कुछ है तो बेटी है तो भाई, अंडा वाला नहीं है, और देखिए मम्मी जी खा रही है बढ़िया से, सब लोग खाइए। अच्छा बाकी ये लोग व्रत वाले लोग हैं तो वो लोग आराम से हैं, तो केक बचाना कहे के लिए है, उड़ा दिया जाए। देखिए ये खा रहे हैं ओम जी, आराम तो कोई इसमें ही से, और आप लोग वहीं से केक के स्वाद को ले लीजिए फोटो से, तो देखिए कौन कौन से लोग देख रहे हैं हमारे। विनीत कश्यप जी हैप्पी बर्थडे कर रहे हैं, बढ़िया है केक। और आपके अभिराज जी देख रहे हैं, विकेट सनी पाठक भी जन्मदिवस की मुबारकबाद दे रहे हैं, अनुज सिंह जी धन्यवाद, शशि रंजन तिवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद, सिंह रवि शंकर जी, मुकेश पासवान जी और राहुल कुमार जी, तो देखिए सब लोग जो है। और बच्ची लक्की कितने हैं कि मेरे रूम का एसी खराब हो गया था और देखिए अपने ठीक हो गया है, तो निश्चित रूप से बच्ची बड़ी भाग्यशाली है, और ऑन करके हम लोग देखें गर्मी में कि काम कर रहा है कि नहीं, तो काम करना शुरू कर दिया है। तो चलिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभरात्रि, और खुशी का थोड़ा सा भी वक्त मिले तो क्या करेंगे, गम में जीने की कला सीख लेनी चाहिए, गम तो बहुत है जिंदगी में, हर पल हर क्षण दुख है और पूरा जीवन ही दुखमय है, लेकिन इसी में नए बच्चों को जो है खुशियां परोसना पड़ता है दिल पर पत्थर भी बांध कर। मुकेश पासवान जी, निखिल प्रताप सिंह जी, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे मोहित कुमार जी हैप्पी बर्थडे कर रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब लोग जो है एक पल भी मिले खुशियों का तो मनाना छोड़ना नहीं चाहिए, उसे सेलिब्रेट कर लेना चाहिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि, और सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, और बहुत अच्छा कीजिए, जय भोले शंकर, सावन मास है, जय बाबा बैद्यनाथ।